अमेरिकन मकाई, क्या नाम मैम आपका? जी अर्चना नाम हुआ, मैं बिहार से हूँ। अच्छा जी, तो मैम कूलर। क्या क्या नाम भैया? मुरारी। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अहमदाबाद का। नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे, भैया ने बुला लिया तो चलो देख लो। यही मैंने लिया था लगभग लोन पे, लगभग लगेगा इसका। अभी क्या है, चार्ज तो भी आपसे मैं क्या लूँ यार, आप चार धाम यात्रा कर रहे हो, इतना पुण्य का काम कर रहे हो तो भी मैं इनका। देखिए ये जो टायर है इस बार थोड़ा पतला वाला लगा है, सारा बहुत देर मेहनत करके हमारा बाइसिकल को ठीक कर दिया, तो थैंक यू। अच्छा। मैं सोलह पागवत में पढ़ता हूँ। हाँ। संस्कृत में ही पढ़ता हूँ सब कुछ। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंडित ध्रुव है। हाँ। और मैं सोलह पागवत में पढ़ता हूँ। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। तो ऑल इंडिया साइकिलिंग राइड का आज हमारा होने वाला है 307 दिन। आज हो चुका है 307 दिन और कल 306 दिन था। कल रात मैं रुका था यहाँ पे, देख सकते हैं ये एक आश्रम है। यहाँ पर एक अंकल जी बताएंगे ये किस प्रकार का ये आश्रम है। ये जीव दया मडोली ट्रस्ट है। अच्छा, महीने में 2-3 दफ़े बच्चों को खाना बनता है पक्का। अच्छा अच्छा, और ये एड्रेस यहाँ का? निकोल ऑडो रोड, अश्वमेघ सोसाइटी कॉर्नर। अच्छा हाँ, तो अभी हम अश्वमेघ सोसाइटी कॉर्नर के पास में हैं और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद गुजरात। और यहाँ पे सोसाइटी है तो ये है हिंदू धर्म का अपना सीताराम बापा सीताराम का, अन्नपूर्णा माता का, अन्नपूर्णा माता का मंदिर है का। तो यहाँ से तो हम निकल सकते हैं गाइज, लेकिन मेरे दो काम है बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक जो मेरा फ़ोन ख़राब हुआ था उसको मैं कुरियर नहीं कर पाया, हो सकता है रखे रखे और ज़्यादा ख़राब हो जाए, उसको घर भेजना होगा। और दूसरा कि साइकिल का टायर पूरा घिस गया है, डी कैथलोन खोज करके वहाँ पे चेंज करवाना होगा। तो दो काम है, डी कैथलोन 10-11 बजे के आसपास में खुलेगा, कुरियर वाला के पास अभी चलते हैं देखते हैं। तो जय श्री राम, चलिए अपने राइड को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। और अंकल जी ने कुछ सपोर्ट भी कर दिया तो धन्यवाद अंकल। राइड को मैंने स्टार्ट कर दिया है सुबह सुबह का समय है। ये पूरा शहर है, ये देखिए सुबह सुबह शहर में भी कोई उठता नहीं, जैसे ही 10 बजेगा पूरा सड़क पे गाड़ी दौड़ने लगेगा और शहर में पूरा तबाही हो जाएगा। सवेरे सवेरे बहुत ही बढ़िया जगह होता है। आज राइड को बहुत सुबह सुबह स्टार्ट कर दिए क्योंकि जहाँ पे रुके थे वहाँ पे किचन था पता नहीं, तो सवेरे ही उठना पड़ गया, सोए भी लेट से थे कल के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद। बाकी ये सब देखो शहर है कि नहीं। और जा रहे हैं कुरियर सर्विस के पास में जो कि मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचा देगा, हम तो जा नहीं सकते हैं और उसको साथ में रखेंगे तो और बेकार हो जाएगा। तो बाकी यही है, सुबह सुबह राइड मैंने स्टार्ट कर दिया, कुछ नज़ारा देखो। फाइनली DTDC के पास पहुंच गया हूं, 5 किलोमीटर साइकिल चला के। यहां पे कुरियर मैं करता हूं और ये है इनका DTDC शॉप। और यहां पे मिले बहुत ही अच्छे व्यक्ति, यहां पे मैं कुरियर कर रहा हूं। और यहां पे हेलो नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम जे सिंह है। और तो कुरियर हो जाएगा मेरा मोबाइल? हाँ हो जाएगा ना। चलिए तो यहां पे लगाना है कुरियर मेरे को, ये अपने घर पे भेजना है पटना बिहार की ओर। लगभग कितना समय लगता होगा पटना
पटना बिहार पहुंचने में बाय एयर करेंगे तो 2 दिन में पहुंच जाएगा और नॉर्मल करेंगे तो 4-5 दिन लगेगा। हाँ तो नॉर्मल ही कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ये नहीं है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये मेरा फ़ोन था जो कि बिल्कुल ही डेड हो चुका था, उसके बाद मैंने अपने ये वाला फ़ोन लिया था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि फ़ोन दिखाया नहीं, तो देख लो यही मैंने लिया था लगभग लोन पे, और क्योंकि अब इसको धीरे धीरे करके इसका पेमेंट करेंगे कुछ व्यवस्था करके। बाकी ये है, इसको भेजना है हमको, और ये मोबाइल का ये कवर था, ये देख सकते हो ये वाला फ़ोन मैंने लिया था। तो ठीक है, धन्यवाद, भेज दीजिए। और कितना चार्ज लगभग लगेगा इसका? अभी क्या है, चार्ज तो अभी आपसे मैं क्या लूँ यार, आप चार धाम यात्रा कर रहे हो, इतना पुण्य का काम कर रहे हो, तो भी मैं पेमेंट तो मैं आपसे लूँगा नहीं, ठीक है। अच्छा। आपका काम मैं कर दूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए इस तरह से लोग मिल जाते हैं, सहायता कर देते हैं, तो ठीक ही रहता है, बहुत आनंद आता है चलने में। बाकी छोटा सा हेल्प एक हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ठीक है। और मेरा चैनल भी देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, देखिए आपको भी देखना है तो देख सकते हैं, क्योंकि मेरा ये ज्योतिर्लिंग का पहला वीडियो है, उस समय का लुक देखिए और अभी का देखिए कितना हो गया है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। कुरियर को करने के बाद मैं जा रहा हूँ अपना साइकिल का जो टायर ख़राब हो गया उसको चेंज करने के लिए डीकैथलोन, और रास्ते में कुछ लोग मिल गए तो बोल खाने के लिए पूछ लिए। इस तरह से लोग मिल जाते तो हेल्प हो जाता है हमारा। यहाँ पे है, क्या नाम मैम आपका? जी अर्चना नाम हुआ, मैं बिहार से हूँ। अच्छा जी। तो मैम मिले और सर हैं तो वहाँ पे होटल में खाने के लिए मेरे को बोल दिए हैं, तो थैंक यू। तो दाल पापड़ पानी आप पी लिया, ठीक है। तो थैंक यू भैया, ये भैया हैं जिन्होंने खाने का इंतजाम करवा दिया, ठीक है, थैंक यू। मैं अभी जा रहा हूँ। क्या नाम है? तन्मय राजपूत। थैंक यू, बाय। हम लोग अभी जा रहे हैं। हाँ। तो आप खाने में अच्छे से पानी का बोतल भी कर दिया है, आपको पीना हो या ले जाना हो वो कह देना। खाना मेरा आ चुका है, जैसा कि आप जानते हैं जहाँ पे ज़्यादा मतलब ऑप्शन होता है सादा खाना का, मैं सादा ही खाना खाता हूँ क्योंकि सादा खाना ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ये देखिए चावल आ गया है मेरा, और ये चीज़ें चावल के साथ, थोड़ा पापड़ है, थोड़ा दाल है, तो भैया ने खाने के लिए आया, तो थैंक यू भैया। अगर वीडियो देख रहे तो इस तरह से काम चल जाता है, खा लेते हैं, फिर जो दवा था मेरा वो खा लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देख रहे होंगे कि मेडिसिन मैं खा रहा हूँ, ये देखिए इतना सारा मेडिसिन है। तो अभी तो मैं नहीं बताऊँगा किस चीज़ के लिए खा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको दिखाएँगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। प्रॉब्लम्स बहुत सारा आता है लेकिन बहुत सारा चीज़ तो दिखा नहीं सकते, कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगा क्या था, किस लिए खा रहा हूँ। तो ये मेडिसिन सब है। गुजरात के अहमदाबाद में मैं अभी हूँ और मेरे सामने एक नदी मिली है, तो ये आपको देख करके क्या लगता है कौन सी नदी हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं कि ये है साबरमती नदी। तो आज मैंने साबरमती नदी भी देख लिया, ये अहमदाबाद से मैं अपने डिस्टिनेशन की ओर जा रहा था तो देखने के लिए मिला। ये देखो साबरमती नदी है, और इस पुल को क्रॉस करने के बाद हम पहुँचेंगे डीकैथलॉन शॉप के पास। तो आज साबरमती नदी भी देख लिया, अच्छा है, पानी सूखा हुआ है, कम है, लेकिन बारिश की वजह से ये पानी इस बार इसमें तो है, यानी कि पानी और भी सूखा हुआ रहता होगा इसमें जब बारिश का समय नहीं रहता होगा। अभी बारिश का समय है, लोग कुछ लोग को मैं देख रहा हूँ नीचे की मछली भी पकड़ रहे हैं इस नदी में। ये देखो मैं डीकैथलॉन के पास पहुँच गया हूँ, और जब डीकैथलॉन के पास पहुँचता हूँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फीलिंग होता है क्योंकि साइकिल का नट होल जो टाइट हो जाता है। तो ये है डीकैथलॉन, चलते हैं। टायर देखिए तो देखते हैं कॉस्ट पहले, ये तो लगता है थोड़ा चलेगा, बाकी जो हमारा पीछे वाला जो है ना ये पूरा ख़त्म हो चुका है जिस वजह से बार बार पंचर होता है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या कौन सा चेंज करना है, सामान को बाहर रखना होगा पहले। साइकिल बन चुका है, और साइकिल का देखिए ये जो टायर है इस बार थोड़ा पतला वाला लगा है, टायर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था तो चेंज करवाना जरूरी था। और यहाँ पे भैया थे, हेलो भैया, क्या आपका नाम? आकाश। तो आकाश भैया ने बहुत हेल्प किया हमारा, बहुत देर मेहनत करके हमारा बाइसिकल को ठीक कर दिया, तो थैंक यू। तो गाइस चलते हैं और अपने राइड को स्टार्ट करते हैं। अभी समय हो गया है 3:29, और टायर जो है ये 800 रुपये का आता था लेकिन इस बार डिस्काउंट में 400 रुपये का मिला है, तो मेरा काम भी हो गया। इस बार मेरे पास पैसे भी कम थे तो ये भी काम हो गया। तो चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन।
साइकिल का सर्विसिंग कराते कराते समय हो गया है चार बज चुका है शाम के, और रिंग रोड पे वापस जाके अहमदाबाद के चारों ओर रिंग रोड है, उसमें वापस जाके फिर राजकोट के तरफ जाएंगे, उसके बाद ही रास्ता मिलेगा हमें सोमनाथ और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। फिलहाल एक हमारे साथ भाई मिल चुके हैं, क्या नाम है भाई? मेरा नाम हितेश भाई है। आप स्विगी में जॉब करता हूँ। आप कहाँ का रहने वाले हैं? मैं द्वारका का रहने वाला हूँ। अच्छा, द्वारका का रहने वाले? द्वारका का। अच्छा, हम तो उधर जा रहे हैं। बाकी स्विगी में काम करते हैं? हाँ, स्विगी में काम करते हैं। अच्छा, तो एक दिन में कितना डिलीवरी करते हैं? मैं 20-25 जैसे डिलीवरी आती है मैं कर लेता हूँ। एक डिलीवरी का कितना मिलता है? एक डिलीवरी का मिनिमम आप 20 ले लीजिए, और 10-12 किलोमीटर का ऑर्डर हो तो 150 जैसे मिल जाता है। और स्कूटर का तेल वेल का? यह हमारे ऊपर होता है सारा। अच्छा, 20 रुपये आपको लगभग एक डिलीवरी का मिलेगा? हाँ, मिल जाएगा। आइटम के ऊपर निर्भर करता है, बड़ा है कि छोटा है, उसके बाद फिर आपको जो भी खर्चा हुआ अपना तेल का। बाइक अपना? बाइक सब कुछ। अच्छा, वो साइकिल सही देता है। हम साइकिल से चाहें तो कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। मैं पहले साइकिल से करता था, 1-1.5 साल साइकिल से किया। हाँ, उसके बाद मैंने अब मैं बाइक से करने लगा हूँ। हाँ, और अब आगे मैंने ये सोचा है कि अभी मेरे को ये बंद करना है और मैं ऐसे यूट्यूब चैनल चलाना है। अच्छा अच्छा, देखिए आप यूट्यूब चैनल वीडियो आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी बना सकते हैं। हाँ, यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ। और मैंने एक बार आपकी तरह सोचा था कि मैं भी साइकिल से जाऊँ, लेकिन मैंने अब वो प्लान कैंसिल कर दिया है, लेकिन अब मेरे को कुछ और करना है, मतलब मैंने ऐसे बहुत सोचा था। चलिए चलिए, करिए। बाकी ठीक है, आपसे मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। ओके, तो द्वारका आप कब जा रहे हैं? द्वारका अभी यहाँ से तो अभी तो काम ख़त्म होगा तब जाना। चलिए कोई बात नहीं, तो दोस्तों चलते रहते हैं, आगे चलते हैं द्वारका की ओर। भैया है द्वारका से, बहुत ही अच्छा लगे मिलकर। चलिए, और ये जो भुट्टा इस तरह से उसन करके सीधा करके खिलाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अमेरिकन मकई। अमेरिकन मकई। हाँ। वाह वाह वाह, अमेरिकन मकई खा रहे हैं गाइस, देख लो। और यहाँ पे कुछ छोटी मिली थी, तुम्हारा क्या नाम है छोटी? ठीक है। और भैया बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्त, आपको पटना से हो और आप ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक। तो देख रहे हो आज इस तरह का भुट्टा खाने का आइए, हर जगह पे जाने के बाद कुछ न कुछ स्पेशल चीज़ तो मिलता ही है। मैं ये रिंग रोड से बाहर ही निकलने वाला था और जा रहा हूँ अपने डिस्टिनेशन की ओर, यहाँ पे एक भैया और मिल गए और उन्होंने खाने के लिए ऑफर कर दिया और अपने साथ ले आए, तो यहाँ पे हैं भैया। क्या नाम भैया? मुरारी। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अहमदाबाद का। अच्छा, और तुम्हारा क्या नाम है छोटू? दीपक। और ये आपका? ये अभी हम, ये मेरा सन है अभी। अच्छा, हम ये भाई को देखे, ये साइकिल लेके जा रहे थे तो अच्छा लगा, तो थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, थोड़ा नाश्ता कर रहे हैं। और नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे, भैया ने बुला लिया था, चलो नाश्ता कर ही लेते क्योंकि भूख भी लगा हुआ ही था, और तो खा पी लेते हैं उसके बाद देखते हैं। अभी समय हो चुका है 6:15, तो जल्दी ली खाते हैं फिर आगे चलेंगे। तो देख रहे होंगे अभी गाइस कि मैं अचानक ये कहाँ पे आ गया, तो मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे भैया के साथ नाश्ता वास्ता खाना पीना खाने के बाद बहुत दूर तक चला। बहुत दूर तक चलने के बाद मैं रहने का बहुत जगह ढूंढ रहा था, अहमदाबाद सिटी में आए हुए हैं, बहुत ही घना सिटी है और सिटी में यही प्रॉब्लम होता है कि कहीं भी आप खाली स्पेस में रुक नहीं सकते, टेंट नहीं लगा सकते, इस वजह से ठहरने का जगह देखते देखते कई मंदिरों में गया, कई जगहों पे गया, और वहाँ गया तो बोला कुछ लोगों ने कि इधर जाना उधर मिलेगा, फिर वहाँ आया तो वहाँ नहीं मिला, फिर वहाँ से वहाँ भेजा, वहाँ से वहाँ भेजा, तो इस वजह से बहुत परेशान हो गए थे। और चलते चलते एक पता बताया गया था एक जगह का, तो उस जगह का नाम तो मैं अभी नहीं बता सकता, तो वहाँ पर मैं अभी आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है क्योंकि एक नया चीज़ मुझे देखने के लिए मिला है। तो आइए उन लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे अपने साथ रखने का मौका दिया। तो ये देखिए, हेलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ, तो वीडियोस में देखकर आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे हमारे पंडित जी जो होते हैं उन सारे लोगों का पढ़ाई होता है, और ये गुरुकुल है, है ना, गुरुकुल है, पाठशाला गुरुकुल, जो आप किताबों में पढ़ते थे कि ऋषि मुनि आते हैं ये सब कुछ सिखाते हैं, वैसा सब कुछ होता है यहाँ पे।
तो सबसे पहले आपका क्या नाम है? आप संस्कृत में ज़्यादा पढ़ते हैं ना? हाँ। तो संस्कृत में हम पूछना चाहें कि आपका नाम और परिचय दीजिए, तो संस्कृत में हम क्या बोलेंगे? मो नाम पंड्या पार्थ अस्ति। अहम अहमदाबाद कर्णावती नगरे वसामि। तत् एतत् पाठशाला नाम श्री सोला भागवत वर्तन्तु विद्यालय अस्ति। वाह वाह, बहुत बढ़िया। इसको एक बार हिंदी में बता दीजिए। मेरा नाम पंड्या पार्थ है और मैं अभी अहमदाबाद नगरी में रहता हूँ और मेरी विद्यालय जो है उसका नाम, इस जगह का नाम सोला भागवत विद्यापीठ वर्तन्तु श्री संस्कृत महाविद्यालय है। इसकी स्थापना श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी ने की थी। जय श्री कृष्ण। तो और भाई यहाँ पे हैं, तो भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजगुरु पार्थ है। मैं सोला भागवत में रहता हूँ। अच्छा अच्छा। श्री वर्तन्तु संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ाई करता हूँ। और यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया जाता है? इस इधर वेद, साहित्य, वेद पढ़ते हैं आप लोग? हाँ, वेद पढ़ते हैं ना। चलिए, बहुत वेद, साहित्य, व्याकरण, पुराण, ज्योतिष। अच्छा, ज्योतिष विद्या भी पढ़ते हैं? हाँ, ज्योतिष, हाथ वाद देखता है जो? हाँ, सब कुछ वो ज्योतिष। चलिए, मैं भी जानता हूँ, थोड़ा देखूंगा। तो यहाँ पे और है भाई, इन सारे लोगों ने हमें बुलाया था। सबसे पहले तो सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, जहाँ पे इंसान का सिक्योरिटी और ये सब चीज़ कहाँ काम नहीं आता है, वहाँ पे इंसान इंसान को समझता है, दिल से बातें होती है। तो चले जाते हैं। देखिए, ये सारे लोग पंडित जी हैं और इनका स्पेशल जो पढ़ाई होता है वो सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो साथ में आए, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे क्या नाम है आपका? मेरा नाम दवे हर्ष है। अच्छा। मैं सोला भागवत में पढ़ता हूँ। हाँ। संस्कृत में ही पढ़ता हूँ सब कुछ। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंडिया ध्रुव है। हाँ। और मैं सोला भागवत में पढ़ता हूँ। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्पित शर्मा है। ओके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राज्य गुरु यश है और मैं सोला भागवत में पढ़ता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रह के, आप लोगों ने रुकने का मौका दिया, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मैं यात्रा कर रहा हूँ, मैं भी कुछ बताऊंगा आप लोगों को, आप भी कुछ हमें बताएंगे, बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।